श्री गणेशाय नमः। अथ आषाढ़ मास महात्म, आषाढ़ मास की कथा। आइए भक्तगणों प्रारंभ करें। नैमिषारण्य तीर्थ में स्थित श्री सूत जी से शौनक ऋषि पूछते हैं कि हे ऋषि, कृपया करके आषाढ़ मास का महात्म तथा सब कृत्य कहिए। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अब मैं आषाढ़ मास का महात्म कहता हूँ, आप एक चित्त होकर सुनिए। यह मास वर्षा काल का आरंभ होता है, जिससे अन्न आदि की वृद्धि होती है और सब मनुष्यों को बल मिलता है। अतः इसलिए इस मास में यज्ञ आदि करने चाहिए, जिससे संसार में अन्नादिक उत्पन्न होकर मनुष्यों को बलवान होकर इस संसार के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन करें। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सब प्रकार के क्लेशों तथा विघ्नों को हरने वाले श्री गणेश जी का व्रत आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को करना चाहिए। इस दिन स्नान तथा शौच आदि से निवृत्त होकर प्रथम संकल्प करना चाहिए कि मैं आज श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए और सब प्रकार के विघ्नों के नाश के लिए श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करता हूँ। सारे दिन मनुष्य व्रती रहकर रात्रि को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर कथा सुनकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत के दमयंती के ना करने से राजा नल तथा दमयंती को अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़े और फिर व्रत करने पर ही दुख दूर हुए। कालमिति की कथा। आषाढ़ कृष्ण अष्टमी को काल अष्टमी भी कहते हैं। देवर्षि नारद जी जो कहते हैं कि पूर्व काल की बात है कि काशीपुरी में एक मांटी नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उस ब्राह्मण ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर का बहुत जप किया। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, हे मांटे, तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा जिसका प्रभाव तथा यश मेरे समान होगा। कुछ समय पश्चात मांटी की स्त्री गर्भवती हुई, परंतु उसको धारण किए हुए 4 वर्ष हो गए और प्रसव होने में नहीं आया। तब मांटी ने उससे कहा कि हे पुत्र, तुम गर्भ के बाहर क्यों नहीं आते? यद्यपि इस मनुष्य देही से ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। गर्भ ने कहा, पिताजी, मैं सब जानता हूँ, परंतु मैं काल मार्ग से सदैव ही डरता हूँ। यह सुनकर उसके पिता मांटी फिर शंकर जी के शरण में गए और बोले कि भगवान, आप ही इस गर्भ को किसी प्रकार समझा कर प्रसव कराइए। तब भगवान की विभूतियाँ गर्भ को समझाने लगीं कि हे महामने मांटी कुमार, हम ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य कभी तुमसे दूर नहीं होंगे। अधर्म करने लग कहने लगा कि मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। इतना कहने पर बालक बाहर निकल आया और रोने और कांपने लगा। तब विभूतियों ने कहा कि हे मांटे, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग से डरता है, अतः इसका नाम काल भीती करके प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वरदान देकर वह विभू भगवान शिव जी के पास चले गए। इस बालक का जन्म आषाढ़ कृष्ण अष्टमी को हुआ था, इसीलिए इस अष्टमी को काल अष्टमी कहते हैं। इसके पश्चात काल भीती बड़ा होने पर एक बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव का 1 करोड़ जप किया। फिर एक पैर के अंगूठे के अग्रभाग के सहारे खड़े होकर जप करने लगा। फिर जल की एक एक बूंद लेकर जप करता रहा। फिर एक मनुष्य जल का घड़ा लेकर आया, परंतु काल भीती ने ग्रहण नहीं किया। आगंतुक ने कहा कि घड़ा मिट्टी का बना हुआ है और आग में पका हुआ है, इसलिए अत्यंत शुद्ध है। यदि आप यह कहें कि मेरे संसर्ग से अशुद्ध हो गया है, तो मैं भी पृथ्वी पर रहता हूँ, तुम भी इस पृथ्वी पर रहते हो, अतः इस प्रकार के विचार करना मूर्खों की बातें करनी है। परंतु काल भीती ने कहा कि जब तक आपके वर्ण का पता मुझे नहीं लग जाएगा, मैं आपका जल नहीं पीऊंगा। इस प्रकार काल भीती का दृढ़ निश्चय देखकर वह पुरुष सहसा अंतर ध्यान हो गया और काल भीती चकित होकर चारों ओर देखता रहा कि वह पुरुष कहाँ गायब हो गया।
सहसा उसी बिल्व वृक्ष के नीचे पृथ्वी में से एक शिवलिंग उत्पन्न हुआ जो सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। तब काल भीति ने प्रसन्न होकर उसकी स्तुति की। काल भीति के इस प्रकार स्तुति करने से श्री महादेव जी ने उस लिंग में से निकलकर प्रत्यक्ष दर्शन दिए और अपने तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित कर दिया। काल भीति से कहा कि ब्राह्मण, इस महातीर्थ में रहकर तुमने मेरी आराधना की है, इससे मैं अतिशय प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भावना देखने मनुष्य रूप में यहाँ आया था। तुमने जो मेरी स्तुति की है वह वैदिक मंत्रों के रहस्यों से भरी हुई है, अतः तुम मुझसे मन इच्छित वर मांगो। काल भीति कहने लगा कि भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो सदैव यहाँ पर ही निवास करिए। यहाँ पर जो कोई भी दान पुण्य करेगा उसका फल अक्षय होगा। भगवान शंकर कहने लगे कि जहाँ लिंग वहाँ पर सदैव निवास करता है, वहाँ पर आकाश में तारकामय लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा भूमंडल में स्वयं श्रीलिंग, यह तीनों ही शुभ होते हैं। इनकी पूजा अक्षय फल को देने वाली होती है। जो इस काल अष्टमी के दिन इस शिवलिंग पर जल चढ़ावेगा वह शिव स्वरूप ही हो जाएगा। वत्स, तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल हो। वत्स, मार्ग काल मार्ग पर विजय प्राप्त करने के कारण तुम्हारा नाम महाकाल के नाम से इस संसार में प्रसिद्ध होगा। प्रदोष व्रत कथा। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो कोई इस महाकाल की कथा को पढ़ता या सुनता है वह शिवलोक अवश्य ही प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चैत्र कृष्ण अष्टमी की तरह अषाढ़ कृष्ण अष्टमी को भी शीतला पूजन होती है। इसकी कथा चैत्र मास में कह चुके हैं। अषाढ़ कृष्ण एकादशी को एकादशी का व्रत और एकादशियों की तरह होता है। इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसकी कथा हमारी बनी हुई एकादशी महात्म्य दी हुई है। श्री सूत जी कहते हैं कि अषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है। इस दिन व्रत धारण करके भगवान शिव जी का पूजन करके एक समय भोजन किया जाता है। भोजन सात्विक पदार्थों का होना चाहिए। रात्रि को जागरण करें तथा कथा सुने। इस प्रकार आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उस राजा की विष्णु तथा शिव में भक्ति थी। चित्रवर्मा के अनेक पुत्र थे और सीमंतनी नाम की कन्या थी। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। उनमें एक अति विद्वान ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह कन्या दमयती के नाम और समान परम सुंदरी, श्री सरस्वती जी के समान कलाओं को जानने वाली, लक्ष्मी के समान सब गुणों वाली 10,000 वर्ष तक अपने अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी। इसके पश्चात एक दूसरे विद्वान ने कहा कि यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। ऐसा सुनकर राजा को वज्रपात के समान दुख हुआ, परंतु यह समझ करके जो कुछ होता है वह भाग्य के अनुकूल ही होता है, उसमें देव इच्छा ही प्रबल है, ऐसा विचार कर ऐसा सोच कर चिंता छोड़िए। सीमंतनी धीरे धीरे शयानी हो गई और जब उसने अपने भावी वैधव्य की बात सुनी तो उसको बहुत दुख हुआ। वह मैत्रेय की शरण में गई और उनके चरणों में पकड़कर कहने लगी कि हे माता, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश करें। मैत्रेयी ने कहा, सुंदरी, तुम शिव की शरण में जाओ और प्रदोष व्रत करो, जिससे आपत्ति पड़ने पर भी उससे बच जाओगी, परंतु घोर से घोर क्लेश और संकट पड़ने पर भी इस व्रत को मत छोड़ना। और उसी दिन से उसने भगवान शिव का पूजन आरंभ कर दिया। निषद देश के राजा नल की पत्नी दमयंती ने इंद्रसेन नाम का पुत्र था, उसके चित्रांगद नाम का पुत्र हुआ। चित्र वर्मा ने राजकुमार चित्रांगद को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से अपनी पुत्री सीमांतनी का विवाह चित्रांगद के साथ कर दिया और उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। एक समय राजकुमार जमुना पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नौका पर बैठे भाग्यवश नाव मल्लाहों सहित नदी के भंवर में फंसकर डूब गई।
उस समय वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ और विलाप से आकाश मंडल गूंज उठा। सीमंतनी से भी जब यह समाचार सुनकर सुना तो मूर्छा खाकर गिर पड़ी। चित्र वर्मा यह समाचार सुनकर व्याकुल हो गए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। राजा इंद्रसेन ने भी सुनकर अति दुखित हुए। इसके पश्चात गुरुजनों के समझाने बुझाने पर घर लौट आए। राजा चित्र वर्मा ने मृत दामाद का और दैहिक क्रिया किया और धीरे धीरे सीमंतनी को धैर्य बंधाया। पतिव्रत सीमंतनी ने चिता में बैठकर परलोक जाने का विचार किया, परंतु पिता के स्नेह से उसे रोक लिया। तब वह विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी और प्रदोष व्रत उसने विधवा होने पर भी नहीं की छोड़ा और सदैव शिव के चरणों में वंदना करती रही। इस प्रकार 3 वर्ष बीत गए। नल दमयंती की कथा। इधर इंद्रसेन को दबाकर उसके भाइयों ने उसका राज्य छीन लिया और उसको पकड़कर बंदी बना दिया। इंद्रसेन का पुत्र चित्रांगद यमुना के जल के नीचे ही नीचे जाता रहा और यहाँ तक कि तक्षक के पाताल लोक में पहुँच गया और वहाँ पर उसने देखा कि तक्षक नाग का सुंदर महल है। राजकुमार ने आदर के साथ उनको देखकर सर झुकाकर प्रणाम किया और तक्षक नाग ने नागनों से पूछा कि यह कौन है। उन नागनों ने उत्तर दिया कि इसको हम यमुना जो में डूबते हुए लाई हैं और नाम तथा कुल से परिचित न होने के कारण आपके पास लाई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा। राजकुमार ने कहा कि भूमंडल में एक निषद नाम का देश है, वहाँ के राजा इंद्रसेन का पुत्र में चित्रांगद नाम का हूँ। विवाह के पश्चात ससुराल में टिका हुआ था कि यमुना में नौका विहार करता हुआ जल में डूब गया। बड़े पुण्यों के प्रताप से अब यहाँ आपके दर्शन हुए। मैं धन्य हूँ जो आपने मुझसे वार्तालाप किया। ऐसे मनोहर वचन सुनकर तक्षक ने कहा कि तुम कौन से देवता की पूजा करते हो। राजकुमार ने कहा कि सब देवों के देव श्री महादेव जी की मैं आराधना करता हूँ। राजकुमार के यह वचन सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया और वह कहने लगा कि मैं भी श्री महादेव जी का ही उपासक हूँ। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम बालक होने पर भी महादेव जी के उपासक हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम बालक होते हुए भी शिव भक्ति के तत्व को जानते हो। नागराज ने कहा कि राजकुमार तुमको यहाँ किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी और अच्छा अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर रहोगे। तब राजकुमार हाथ जोड़कर कहने लगा कि नागराज मैंने समय पर विवाह कर लिया है, मेरी स्त्री उत्तम व्रत धारण करने लगी है और मैं अपने पिता माता का इकलौता पुत्र हूँ। वह सब मुझको मरा हुआ समझकर शोक सागर में डूबे होंगे, अतः कृपया करके मुझे उसकी मृत्यु लोक में पहुँचा दे। मैं नागराज ने कहा राजकुमार तुम भूलोक में जा सकते हो और जब भी तुम मुझको याद करोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने एक सुंदर अश्व भेंट किया जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक लोकों में उसकी गति थी और राजा ने राजकुमार को दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए और अपने पुत्र को उनके साथ भेजा और कहा कि राजकुमार को छोड़ आओ। थोड़ी ही देर में वह ऊपर रत्न जड़ित घोड़े पर चढ़कर फिरने लगा। इसके पश्चात वह घोड़े से उतरकर किनारे पर जा बैठा। इसी समय सीमंतनी अपनी सखियों के साथ यमुना तट पर आई। उसने नागकुमार के साथ एक दिव्य पुरुष देखा और राजकुमार ने भी सीमंतनी को देखकर मन में विचार किया कि इसको पहले कहीं अवश्य देखा है। राजकुमारी को पास बुलाकर उससे पूछा कि तुम किसकी कन्या हो और तुम्हारे पति कौन हैं। इस पर राजकुमारी ने कहा कि पहले आप बताइए कि आप कौन हैं और आपके पीछे यह दोनों दिव्य पुरुष कौन हैं और आप स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इसके पश्चात राजकुमारी आंखों में आंसू भरकर बहुत देर तक रोती रही, फिर मूर्छा खाकर गिर पड़ी। इसके बाद शोक का सब हाल सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हुए और वह चुपचाप बैठे रहे। इसके बाद सीमंतनी ने बारंबार राजकुमार की ओर देखा और उसके अंग चिन्हों और स्वर आदि से
तथा लक्षणों अवस्था में प्रमाण तथा रूप रंग आदि से निश्चय करके हृदय में प्रेम से अधीर हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि मैत्री जी ने कहा था कि तुम घोर विपत्ति पड़ने पर भी इस व्रत को मत छोड़ना, उसी का तो यह फल नहीं है। एक ज्योतिषी ने मेरा सुहाग 10,000 वर्ष का बताया था कि उनका वचन अवश्य सत्य होगा, यह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। और कई दिन से मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन भी दिखाई देते हैं। भगवान शंकर के आगे कौन सी चीज दुर्लभ है, उसको सोचते देखकर राजकुमार ने कहा, भद्रे मैं तुम्हारे शोक ग्रस्त पिता से यह कहने जा रहा हूँ कि तुम्हारे पति तुम्हें शीघ्र ही मिलेंगे। इस प्रकार कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में पहुंचे। वहां पर नगर के पास ही पहुंचकर राज सिंहासन पर बैठे हुए बंधुओं के समीप जाकर नागराज के पुत्र ने कहा कि तुम सब लोग महाराजा इंद्रसेन को इसी समय कारागार से छोड़ दो। महाराज के पुत्र चित्रांगद पाताल लोक से यहाँ आ गए हैं। मैं नागराज का पुत्र हूँ, यदि आप कुछ आनाकानी करोगे तो मेरे बाणों से तुम्हारा नाश कर दिया जाएगा। नाग कुमार के यह वचन सुनकर सब कांप गए, उनका सिंहासन उनको छोड़ दिया। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए और वे आनंद में डूब गए। महारानी को भी यही दशा थी। मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चित्रांगद से मिले और उनको हृदय से लगाकर महाराज के पास लाए। चित्रांगद महल में पहुंचकर अपने पिता तथा माता के चरण छुए, राजा ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उन्होंने अपने मन में यह माना कि मेरी पुत्र वधु ने भगवान शिव की सेवा करने से यह सब हुआ है। वह मंगलमय वार्ता दूतों द्वारा महाराज चित्र वर्मा को भी कहलवा भेजी। उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या को बुलाकर उन्होंने उसके साथ वैधव्य चिन्हों का परित्याग करवाया और उसका नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित कराया। कुछ दिनों के पश्चात चित्रांगद अपनी ससुराल में गए और सीमंतनी को वहां से अपने घर ले आए। उसके पिता ने बहुत सा धन आभूषण दास और दासियां देकर विदा किया। अपने ससुर के आज्ञा से चित्रांगद सीमंतनी को लेकर वापस अपने घर को आए। कुछ समय पश्चात राजा इंद्रसेन अपने चित्रांगद को राज्य का भार सौंप कर वन को चले गए। चित्रांगद ने अपना धर्म पत्नी सीमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक विविध प्रकार के भोगों को भोगा और 8 पुत्र और 1 कन्या को जन्म दिया। चातुर्मास व्रत का महात्मा श्री सूद जी कहते हैं कि अषाढ़ शुक्ला एकादशी देवसैनी एकादशी कहलाती है और उस दिन एकादशी से चातुर्मास के व्रत का संकल्प करें। प्रथम भगवान विष्णु की मूर्ति श्वेत वस्त्र पहनावे और श्वेत वर्ण की शैया पर भगवान विष्णु को शयन करावें। इसके बाद वेद पाठी ब्राह्मणों से दूध दही घृत शहद और शर्करा से पंचामृत स्नान करावें। फिर गंध आदि सब चीज़ों से भगवान की पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे जनार्दन, हे लक्ष्मीकांत, आपको शयन करा रहा हूँ। आपके सन्मुख होकर मैं चातुर्मास व्रत का नियम ग्रहण करता हूँ, आप मेरे सब मनोरथ पूर्ण कीजिएगा। व्रत करने से जो फल मिलता है अब मैं तुमको वह बतलाता हूँ। चातुर्मास का व्रत आरंभ करके उसको किसी प्रकार से खंडित ना करें। जो मनुष्य पूर्ण वर्ष इस व्रत को करते हैं उनका तेज सूर्य के समान हो जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजन करते हैं वह महाप्रलय तक वैकुंठ का वास करता है। जो नित्य प्रति भगवान के मंदिर में आकर सफाई करते हैं या जल छिड़कते हैं, गोबर से लीपते हैं, रंग से चित्र बनाते हैं, वह 7 जन्म तक धर्मपरायण रहते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो भगवान के निमित्त सुवर्ण कलश ब्राह्मण को दान देते हैं वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख का भोग करते हैं। जो तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं और सुवर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वह सुवर्ण के विमान में बैठकर वैष्णव गति को प्राप्त होते हैं। जो धूप दान करते हैं अथवा दीपक जलाते हैं
या प्रदक्षिणा करते हैं, नमस्कार करते हैं तथा घुटनों के बल हब बैठकर दोनों हाथों का जोड़कर नमस्कार करते हैं, जो संध्या समय देवता के समय दीपक जलाते हैं, तेल का दान करते हैं, वो मनुष्य विष्णु का चरणामृत पान करते हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर 108 बार गायत्री तीनों काल जपते हैं, वह पापों से लिप्त नहीं होते। गायत्री का जप और ध्यान करने से तथा उद्यापन शास्त्र की पुस्तकें दान करने से विद्या का लाभ होता है। जो मनुष्य चातुर्मास में प्रतिदिन तिल का हवन करता है, सुवर्ण का दान करता है, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शिव पर नित्य प्रति दुर्वांग चढ़ाता है और व्रत के अंत में सुवर्ण की दुर्वांग का दान देता है, उसके बहुत बड़ी आयु वाली संतान उत्पन्न होती है। जो 28 तोले के पात्र दान देता है, वो संसार मुक्त हो जाता है, फिर माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। इस प्रकार आलस्य रहित होकर चातुर्मास का व्रत करना चाहिए। व्रत के अंत में अच्छा बजने वाला घंटे का दान करना चाहिए। इसके दान करने वाला सब पापों से छूट जाता है। भगवान विष्णु के शयन समय जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार तिल सहित सुवर्ण और वस्त्र का दान करता है, वह अंत समय में शिवलोक को जाता है। जो चतुर्मास में प्रतिदिन उत्तम वस्त्र में लपेटकर दूध का घड़ा दक्षिणा सहित दान करता है और व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मण का चमेली के फूलों से सत्कार करता है, वह पूजन करता है, तो वह अति सुंदर और सुशील स्त्री को प्राप्त करता है, और यदि कन्या हो तो उसको सुंदर पति मिलता है। यदि सारे मास पर्यंत दान देने की शक्ति ना हो तो पांचों पर्वों में दान करना चाहिए। चातुर्मास व्रत की समाप्ति वर वस्त्र आदि दान करना चाहिए। चतुर्मास व्रत की समाप्ति पर जो ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दान देता है, वह निश्चय ही विष्णु लोक को जाता है। जो चातुर्मास में खीरा नमक शहद घी और फलों को शिवजी की प्रसन्नता के लिए नहीं खाता और फिर अच्छी उन्हीं वस्तुओं को कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन ब्राह्मणों को निवेदन करता है, इस रुद्र व्रत के सेवन से रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो चातुर्मास में फलों का त्याग करते हैं, वह विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। श्रावण मास में साग नहीं खाना चाहिए, भाद्र में दही, आश्विनी में दूध, कार्तिक में दाल और त्याग करना चाहिए, और मूली तथा गाजर आदि भी नहीं खाना चाहिए। ककरौंदा एक मसूर नहीं खानी चाहिए। खाट पर सोने का भी त्याग करना चाहिए। चातुर्मास में गुड़ को छोड़ने वाला राजा होता है, तेल को छोड़ने वाला सुंदर अंगों वाला, कुंभे के तेल को छोड़ने से शत्रुओं का नाश होता है, और एक व्रत करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। व्रतों में वस्तुओं को त्यागने का फल। जो इन चारों मास में नख और केशों को धारण करता है, वह बहुत बड़ी आयु वाला होता है। जो मनुष्य ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप 4 मास तक करता है, उसको अनंत फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य हरि के मंदिर में 1,00,000 परिक्रमा करता है, वह विमान में बैठकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। 3 रात्रि पर्यंत भोजन के त्याग से स्वर्ग में देवताओं के समान आनंद भोगता है। पराये अन्न के त्याग से मनुष्य देवता तुल्य हो जाता है। जो 4 मास तक प्रजापत्य व्रत करता है, वह कामिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तृप्त कृक्ष द्वारा शयन काल को व्यतीत करता है, वह पुनरावृत्ति से मुक्त होकर परम स्थान को प्राप्त करता है। जो मनुष्य चंद्रायण व्रत द्वारा 4 मास व्यतीत करता है, वह दिव्य देह होकर शिवलोक को जाता है। जो मनुष्य 4 मास तक अन्न त्याग करता है, वह भगवान की सायुजता को प्राप्त करता है। जो चातुर्मास में 5 गव्य दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर का भोजन करता है, वह चंद्रायण व्रत के फल को प्राप्त होता है। जिस दिन भगवान सोते हैं अथवा जिस दिन भगवान जागते हैं, उस दिन अनन्य मन होकर व्रत करने वाले मनुष्य को भगवान उत्तम गति देते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि आनर्त देश में एक वेद रथ नाम वाला ब्राह्मण उत्तम कुल का था। वह स्त्री, पुत्र तथा विद्या से संपन्न था। उस ब्राह्मण के एक कन्या थी।
जिसका नाम शारदा था। वह शुभ लक्षणों से युक्त कन्या जब 12 वर्ष की हो गई तो उसका विवाह पद्म से युक्त कन्या नाभि नाम वाले एक ब्राह्मण के साथ कर दिया। उस कन्या और उस ब्राह्मण को पहली पत्नी मर चुकी थी। वह बड़ा धनी और राजा का मित्र था। विवाह के पश्चात पद्मनाभि ससुराल में सायंकाल होने पर एक सरोवर पर संध्योपासन करने के लिए गया। जब वह संध्या करके लौट रहा था कि मार्ग में उसको एक सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके भाई बांधव रोने लगे। सास ससुर और वह कन्या सभी शोक सागर में डूब गए। भाई बंधु मृतक का दाह संस्कार करके अपने अपने घरों की ओर लौट गए और विधवा शारदा अपने पिता के घर में रह गई। एक दिन मध्रुव नाम वाला कोई अंधा मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर आ गया। जिस समय वह घर पर आया तो शारदा के भाई कहीं बाहर गए हुए थे। शारदा ने मुनि को नमस्कार किया। शारदा ने भक्ति भाव से मुनि के पांव धुलाए और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराया। जब वह देव पूजा करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे तो उनको आदर पूर्वक भोजन कराया। जब वह मुनि परिपूर्ण हो गए तो उस कन्या के लिए उस उत्तम वरदान दिया, भद्र तुम पति के साथ विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो और कीर्ति पाकर देवताओं का आशीर्वाद ग्रहण करो। ऐसे वचन सुनकर शारदा बोली, आपके वचन सदैव सत्य होते हैं, परंतु मैं तो अभागनी विधवा हूँ। मैं आपके आशीर्वाद का पात्र कैसे बन सकती हूँ? मुनि बोले, मुझ अंधे तुमको न देखने के कारण जो वर देना था दे दिया, अब इसको अवश्य सिद्ध करूँगा। तुम महेश्वर का प्रदोष व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम शीघ्र ही कल्याण भागनी बन जाओगी। इसके पश्चात मुनि ने विस्तार पूर्वक प्रदोष व्रत की विधि समझाई, जो पहले कह चुके हैं। शारदा ने कहा, आपके बताए हुए व्रत का मैं यत्न पूर्वक पालन करूंगी। मुनि कहने लगी, तभी अषाढ़ शुक्ला का प्रदोष व्रत आने वाला है। तुम भक्ति भाव से विधि पूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार प्रातःकाल स्नान आदि करके एक दशावार रुद्र मग ओम नमो शिवाय जप करके संकल्प के पश्चात व्रत को आरंभ कर दो। एक वर्ष तक इसका पालन करो, इससे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर मुनि ने भोजन किया और आनंद पूर्वक बैठे। उपस्थित सज्जनों ने आकर मुनि के चरण हुए और बोले, आज आपके आगमन से हमारा घर और कुल दोनों पवित्र हो गए। आप हमारे घर के पास ही निवास करें और जो यह घर का मठ है आपके स्नान के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसा कहने पर मुनि ने अच्छा कहकर ब्राह्मण के उस उत्तम मठ में निवास किया। इस प्रकार व्रत का पालन करते हुए शारदा को एक वर्ष व्यतीत हो गया। मुनि के समीप नियम में मन लगाकर इस व्रत को करती रही। इस व्रत करने के एक वर्ष पश्चात उसके पिता ने वहां पर ही उसका उद्यापन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा भी दी। शारदा ने उस दिन भी व्रत का पालन किया और सारी रात जागरण करके मुनि के मंत्र का जप करती रही। शारदा की भक्ति तथा मुनि की समाधि से संतुष्ट होकर माता पार्वती जी उसी समय वहां प्रकट हुई और उसी समय मुनि के दोनों नेत्र खुल गए। वह मुनि और शारदा दोनों ही भगवती के चरणों में गिर गए। तब उन दोनों को उठाकर पार्वती देवी ने बड़े प्रेम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी दुर्लभ वर प्रदान कर लो। मुनि कहने लगे, माता, यह शारदा नाम की लड़की विधवा हो गई है। मैं अंधा होने के कारण इसकी सेवा से संतुष्ट होकर इसको किसी बात को न जानकर यह वरदान दे चुका हूँ कि तुम अपने पति के साथ चिरंकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र की प्राप्ति करो। मेरे इस वचन को सत्य कीजिए, आपको प्रणाम है। तब श्री पार्वती जी कहने लगी कि ब्राह्मण पूर्व जन्म में शारदा एक द्रविण ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी थी। इसका पति इसको बहुत प्रेम करता था और इसके छल कपट से अपने पति को बस में किया हुआ था
और अपनी ज्येष्ठ पतिव्रता पत्नी से कभी बात भी नहीं करता था, इसलिए वह बिचारी मन ही मन में अति दुखी रहा करती थी। इसी दशा में समय पाकर उसकी मृत्यु हो गई। इसी शारदा के घर के पास एक तुरण ब्राह्मण रहता था। वह इस पर आसक्त हो गया। एक दिन उसने कामातुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया, परंतु इसने क्रोध में आकर दूर भगा दिया। परंतु वह प्रतिदिन इसी का चिंतन करके मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया। इसने अपने स्वामी को वश में करके ज्येष्ठ पत्नी से विमुख कर दिया था, इसलिए यह विधवा हो गई। और जिस ब्राह्मण ने इसका हाथ पकड़ा था, वह उस पाप से दूसरे जन्म में इसका पाणिक ग्रहण वाले पात्र पकड़ा से मृत्यु को प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म में जो इसका पति था, वह इस समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है। यह शारदा स्वप्न काल में अपने उस पति के साथ रत्य सुख अनुभव करेगी। स्वप्न अवस्था में पति संगम से यह वेद और वेदांगों को जानने वाला अति विद्वान पुत्र प्राप्त करेगी। वे ब्राह्मण भी तुमको देखकर पहचान लेगा। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगा। ऐसा समय आने पर तुम अपने विद्वान पुत्र को उन्हीं को समर्पण कर देना। परंतु स्वप्न मिलने के सिवा कभी भी शारीरिक संगम नहीं करना। समय आने पर जब वह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त होगा, तुम उसके साथ सती होकर मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगी। ऐसा कहकर श्री जगत माता अंतर्ध्यान हो गईं। रात्रि व्यतीत होने पर नूतन नेत्र पाए हुए उस धर्म मुनि के उसके माता पिता को सब वृतांत सुनाया और उसके पश्चात वह चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा ने अपने पति का सौभाग्य सुख प्राप्त किया। श्री पार्वती जी के वरदान से उसके गर्भ की स्थिति हो गई। सब उसको व्यभिचारिणी कहकर धिक्कार देने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ना तो इस कन्या ने कोई ऐसा पाप किया है और ना ही इसने अपने कुल को कलंक लगाया है। कई दुष्टों ने यह कहा कि यह आकाशवाणी झूठी है। उनकी जिहुआ के कटकर दो टुकड़े हो गए, परंतु आकाशवाणी सुनकर उसके माता पिता की बहुत प्रसन्नता हुई। सबने साधु साधु कहकर शारदा की बहुत ही प्रशंसा की और इसे माता पार्वती जी का आशीर्वाद माना। कुछ समय पश्चात समय आने पर शारदा ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह बालक बचपन में ही विद्या पढ़कर परम विद्वान हो गया था। एक भी समय बहुत से मनुष्य शिव पर्व आने पर गोकर्ण तीर्थ जाने लगे, तो सती शारदा भी अपने पुत्र के सहित गोकर्ण तीर्थ गई। वहाँ पर उसने अपने पूर्व के पति को देखा। उनको देखकर शारदा प्रेम मगन हो गई। ब्राह्मण भी रूप और लक्ष्मण से युक्त स्वप्न में सदा भोगी जाने वाली इस स्त्री को पहचान कर कहने लगे कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम्हारा देश कौन सा है। इस प्रकार पूछने पर शारदा ने सारा वृतांत उनको कह सुनाया और फिर कहने लगी कि यह पुत्र आप ही का है, राजा दक्ष के यज्ञ की कथा। इस प्रकार पूछने पर श्री शारदा जी ने सारा वृतांत उनको कह सुनाया और कहने लगे कि यह पुत्र आप ही का है। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुत्र को गले से लगाया। शारदा के माता पिता की आज्ञा से दोनों ही माता पिता तथा पुत्र को अपने घर ले आए। जब कुछ समय पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो शारदा उसके साथ सती हो गई और दोनों दिव्य देह होकर शिवलोक को चले गए। इस प्रकार भगवान के प्रदोष व्रत करने वाला भोग और मोक्ष को दोनों को ही पाता है। इसी पूर्णमासी को व्यास पूजा या गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं तथा यथासंभव गुरु को भेंट देते हैं। इसी पूर्णमासी को कोकिला व्रत को भी किया जाता है। जब भी अषाढ़ का अधिक मास आता है, तब ही इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत भी सौभाग्य का देने वाला है। यह व्रत एक मास तक जिस वर्ष में दो अषाढ़ हों, प्रथम अषाढ़ की पूर्णमासी से दूसरे अषाढ़ की पूर्णमासी तक किया जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर सुगंधित आंवले का तेल लगाकर स्नान करती हैं। 8 दिन ऐसा करने पर शरीर में पीसकर लगाती हैं और प्रातः काल
सूर्य भगवान का पूजन करती हैं। एक समय प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने द्वेष भाव से श्री शिवजी को नहीं बुलाया, परंतु श्री शिवजी के मना करने पर भी श्री पार्वती जी यज्ञ में चली गईं और वहां जाकर भगवान शिवजी का अपमान न सहन कर सकी और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने देह का त्याग कर दिया। भगवान शिवजी के पता लगने पर उन्होंने वीरभद्र उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और देवताओं को अंग भंग कर दिया। तब देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनके आग्रह से श्री शिवजी ने देवताओं को पूर्ववत कर दिया, परंतु श्री पार्वती जी को आज्ञा का उल्लंघन करने के अपराध में कोयल बन जाने का आदेश दिया। इसके पश्चात अवधि पूरी होने पर एक मास तक इस व्रत को करने से हिमाचल के घर जन्म लेकर श्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। अतः स्त्रियों का यह धर्म है कि सदैव किसी भी अपने पति की आज्ञा को भंग ना करें। इति आषाढ़ मास महात्म समाप्तम्।